मेरी आंखों के सामने रखे स्टार कंपनी के फुटे पर आज मेरी अचानक नजर पड़ी, जिसे तुम आज स्केल कहते हो। मेरा इसे फुटा कहना उन दिनों की याद दिलाता है जब इसे फुटा कहने वालों की संख्या ज्यादा थी, यानी यह काफी पुराना है। जी हाँ, यह मेरे पिताजी का है। मैंने उन्हें इस्तेमाल करते हुए देखा था, फिर कुछ साल ये दृष्टि से ओझल रहा। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका अब तक जीवित रहना इसकी क्वालिटी का वर्णन कर रहा है या इसे सहेज कर रखने वाले के गुणों का। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका अब तक जीवित रहना इसकी क्वालिटी का वर्णन कर रहा है या इसे सहेज कर रखने वाले के गुणों का जो उसे भी गरीबी से धरोहर के रूप में मिले। अभावग्रस्त जीवन किन संघर्षों से परिपूर्ण होता है वह अब मुझे इस फुटे की लंबाई में दिखाई देने लगा है, या मैं कहूं मैं उसको 1 से 30 सेंटीमीटर में माप रहा हूं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं मेरे पिताजी के जीवन का अब तक का संघर्ष। सुना है कि गरीबी पाप है, अभिशाप है, किंतु मुझे मालूम पड़ता है काफी कम उम्र में कामयाब और समझदार बना देने वाली वह हर बार साबित हुई है, और इसीलिए वही गरीबी वरदान भी है। इस फुटे पर मौजूद कुछ निशान खरोच संभवतः इसके संघर्षों की अनसुनी कहानी बयां करते हैं, और इस पर मौजूद कुछ गड्ढे ठीक वैसे जैसे किसी मार्ग में खास तौर पर गिरने के लिए बनाए गए कृत्रिम गड्ढे। तो मुझे लगता है इसका स्वभाव और व्यक्तित्व जो अंततः इसे सहेज कर रखने वाले के गुणों का वर्णन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।